हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। तो चेन्नई टेस्ट टीम इंडिया ने जीता है, ऑक्शन भी चेन्नई में 18 फरवरी को आईपीएल का होने वाला है। लेकिन ऑक्शन से पहले टीम इंडिया के कप्तान और आरसीबी के कप्तान, उनको बहुत बड़ा झटका लगा, यानी कि विराट कोहली को टेंशन हो गई है। ये टेंशन क्यों है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपको बता दें कि चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने 317 रनों से जीत दर्ज की है। 18 फरवरी को ऑक्शन होने वाला है, जिसमें 292 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, लेकिन 61 खिलाड़ियों का जो है स्लॉट उनको ही खरीदा जाएगा। ऐसे में इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, जिनको आरसीबी से पहले आप खेलते हुए देख चुके हैं, मोइन अली, उनको इस बारी रिलीज कर दिया गया था। लेकिन मोइन अली ने चेन्नई टेस्ट में 5 छक्के लगाकर विराट कोहली को टेंशन दे दी है। जी हाँ, मोइन अली ने 18 गेंदों पर 43 रन बनाए और 5 छक्के 3 चौकों की मदद से उनका स्ट्राइक रेट रहा 238 रनों का। अब विराट कोहली सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या मोइन अली को फिर से खरीदा जाए, क्योंकि मोइन अली का बेस प्राइस इस बार 2 करोड़ रखा गया है। मोइन अली को पिछली बार आपने देखा था कि आरसीबी से वो खेल रहे थे, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उन्हें रिलीज कर दिया गया। अब ऑक्शन से ठीक 2 दिन पहले मोइन अली ने ताबड़तोड़ पारी खेल, ये विराट कोहली को एक संदेशा दे दिया है कि उनको रिलीज करके उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की है। आरसीबी के पास लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा की रकम है और वो 15 खिलाड़ी जो है अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते, जबकि 4 विदेशी खिलाड़ियों को भी खरीद सकते हैं। अब देखना होगा कि मोइन अली की ये जो पारी उन्होंने खेली है, इसके बाद क्या विराट कोहली उन्हें फिर से 2 करोड़ या 3 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करते हैं नहीं, क्योंकि विराट कोहली के पास खिलाड़ियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि उन्होंने इस बारी काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज़ किया था और 15 खिलाड़ी जो हैं उन्हें अब खरीदना है, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऐसे में मोइन अली की जो पारी है वो सभी टीमों को ये अंदेशा दे चुकी है कि उनको खरीदना इस बारी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। एक बार फिर से बता दें, मोइन अली ने 18 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। ऐसे में 18 फरवरी पे जब ऑक्शन होगा, तब मोइन अली पर सबसे ज़्यादा निगाहें टीमों की रहने वाली है। धन्यवाद।